नमस्कार दोस्तों, तो साथियों आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज इस सेशन में हम आपको बताएंगे बीए प्रोग्राम का जो बेसिकली दोस्तों थर्ड ईयर का क्वेश्चन पेपर हमने अपलोड कर दिया था, उसमें जो तमाम क्वेश्चन है उसी के बिहाव पर और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उसी के बिहाव पर हम दोस्तों आपको यहाँ पर आंसर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं विद क्वेश्चन विद और आंसर, ठीक है, दोनों ही। यानी यार आपको अच्छे से मतलब एक सिस्टमेटिकली वैसे आपको यहाँ पर प्रिपरेशन कराएंगे, ठीक है। तो उसमें हमारा दोस्तों आज का जो क्वेश्चन रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों उपनिवेशों के राष्ट्रव्यापी आंदोलन के पीछे क्या कारण थे, ठीक है। वो तभी तमाम चर्चा बताऊँगा, लेकिन चर्चा करने से पहले दोस्तों आपको बताऊँ तो इससे पहले दोस्तों हमने एक दो वीडियो अपलोड कर दी है और क्वेश्चन पेपर भी अपने अपलोड कर दिया है। तो दोस्तों जिन्होंने भी नहीं देखा है तो दोस्तों या तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वरना आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि थर्ड ईयर का जो हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है उसमें दोस्तों हमने नए सामाजिक आंदोलन को बता रखा है। और आज हम दोस्तों आपको बताएंगे उपनिवेशों के राष्ट्रव्यापी आंदोलन के पीछे क्या कारण थे। तो ध्यान रखना दोस्तों ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप स्टार्ट देख लेना, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों आज बात कर लेंगे हम इसमें उपनिवेशों के राष्ट्रव्यापी आंदोलन के पीछे क्या कारण थे। तो दोस्तों यहाँ फिर एक उपनिवेशक वर्ड आ गया, तो इसका मतलब समझा लेते हैं। उपनिवेशों, तो दोस्तों आपने सुना होगा ब्रिटेन और भारत, आपको पता है कि ब्रिटेन ने भारत पर 200 साल वर्ष राज किया, तो ऐसे में दोस्तों भारत में 200 वर्ष शासन काल किया, यानी जो भारत की राजनीतिक आर्थिक सामाजिक जो भी दोस्तों कंडीशन थी यानी जो भी पावर थी वो किसके कंट्रोल में थी, दोस्तों ब्रिटेन के कंट्रोल में थी। तो ऐसे में दोस्तों भारत ब्रिटेन का गुलाम बन गया, तो वही दोस्तों उपनिवेशक कहलाता है, यानी भारत ब्रिटेन का उपनिवेशक बन गया, उसकी जो सत्ता है भारत की वो किसके कंट्रोल में थी, ब्रिटेन की। तो ऐसे में दोस्तों ब्रिटेन का उपनिवेशक कौन है, भारत, तो ध्यान रखना, ओके। और दोस्तों मैं बात करूं जैसे ब्रिटेन हमारा दोस्तों कौन था, यानी ब्रिटेन हम ब्रिटेन के हम क्या थे, उपनिवेशक थे, तो ऐसे में दोस्तों जो ब्रिटेन था वो साम्राज्यवाद था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना दोस्तों दोनों वर्ड यहाँ पर आएंगे तो आपको प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए मैंने दोस्तों आपको पहले ही बता दिया। तो क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है उपनिवेशकों के राष्ट्रवादी आंदोलन के पीछे क्या कारण थे, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार, यानी जो भारत जैसे देश है उपनिवेशक उनके पीछे जो राष्ट्रवादी आंदोलन के जो पीछे क्या कारण थे, तो देख लेते हैं। द्विउपनिवेशीकरण किसी उपनिवेशक को समाप्त करने के संबंध में प्रयुक्त उपयुक्त शब्द होता है, यानी जो द्विउपनिवेशीकरण वरण है ना, जो किसी उपनिवेशों को समाप्त करने के संबंध में एक उपयुक्त तो, यानी एक प्रयोग में लिए जाने वाला शब्द है। यानी अगर उपनिवेशक को समाप्त कर दिया गया है, यानी जो ब्रिटेन का कंट्रोल भारत से समाप्त हो गया, तो ऐसे में जो भारत हो गया वी उपनिवेशीकरण हो गया, ठीक है, ये ध्यान रखना। वी उपनिवेशीकरण किसी उपनिवेशों को समाप्त करने के संबंध में प्रयुक्त लिया जाता शब्द है। इसमें एक राष्ट्र का निर्माण होता है, जैसे भारत का निर्माण हुआ ना उपनिवेशक से, दोस्तों वो हट गया तो वी उपनिवेशीकरण आ गया, तो एक राष्ट्र का निर्माण होता है जो स्वतंत्र और संप्रभुत राष्ट्र के रूप में समर्पित होता है, जैसे भारत होता है ना। भारत पहले क्या था दोस्तों, ब्रिटेन का उपनिवेशक था, लेकिन बाद में क्या दोस्तों उपनिवेशक वो हट गया, तो एक वी उपनिवेशीकरण यानी एक नए राज्य के रूप में दोस्तों आया भारत, जिसका है ना राष्ट्र का निर्माण होता है और साथ ही साथ वो स्वतंत्र और संप्रभुत राष्ट्र निर्माण के रूप में समर्पित होता है, ठीक है। तो दोस्तों आइए आगे देख लेते हैं। आगे बताया जाता है दोस्तों द्वितीय विश्वयुद्ध, आपको पता है द्वितीय विश्वयुद्ध दोस्तों 1939 से 45 के बीच तक लड़ा गया था। तो द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात यानी उसके बाद यूरोपीय साम्राज्यवाद की गति को तेज करने में कई कारणों ने मदद की। यूरोपीय साम्राज्यवाद, मैं साम्राज्यवाद एक बार और फिर बता देता हूँ कि यूरोप में जितनी भी कंट्रीज हैं उन्होंने दोस्तों दूसरे देशों पर मतलब कब्जा करा, उनकी जो राजनीतिक स्थिति को कंट्रोल करा, जैसे भारत ने ब्रिटेन ने भारत में करना, तो ऐसे में भारत ने जो ब्रिटेन पर कंट्रोल करा है तो वो देश है, जो ब्रिटेन है वो क्या कहलाया दोस्तों, साम्राज्यवाद। तो ऐसे में दोस्तों जो यूरोपीय है, यूरोप में कई देश ऐसे थे जिन्होंने तमाम विश्व के देशों पर दोस्तों अपना कब्जा कर रखा था, तो वही दोस्तों क्या साम्राज्यवाद कहलाते हैं, ओके, ये ध्यान रखना। तो यूरोपीय साम्राज्यवाद की गति को तेज करने में कई कारणों ने मदद की। विश्व युद्ध के पश्चात तमाम नए राष्ट्र अस्तित्व में आए, यानी उसकी एग्जिस्टेंस हुई, जैसे एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका देशों में गुलामी को समाप्त कर एक नए युग का आरंभ हुआ, ओके, क्या हुआ, एक नए युग का आरंभ हुआ, ये भी ध्यान रखना। तो कौन कौन से देश, तो मतलब जो पश्चात हुए थे विश्व युद्ध के पश्चात अस्तित्व में, तो एशिया के देश आए, अफ्रीका के देश आए, लैटिन अमेरिका देश आए, तो इनकी गुलामी को दोस्तों क्या समाप्त करके एक नए युग का आरंभ हुआ। साम्राज्यवाद राष्ट्रों, जो साम्राज्यवादी राष्ट्रों की पकड़ से इन राष्ट्रों की स्वतंत्रता की प्रक्रिया को द्विउपनिवेशीकरण कहा जाता है, यानी जो साम्राज्यवाद राष्ट्र थे
तो इन देशों की पहले क्या, जो ये देश आज़ाद हुए इन देशों पर कमांड थी साम्राज्य वाले देशों ने, तो इनकी कमांड पर राष्ट्रों की स्वतंत्रता प्रक्रिया जो कहलाती थी वो व्यू ओपनिकेशन कहा जाता था। ओके, इन नव स्वतंत्र राष्ट्रियों ने गुटीय राजनीति को छोड़कर अपनी स्वतंत्र पहचान बना ली। आपको पता होगा कि जब नेम आया था यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट आया था, तो ऐसे में दोस्तों जो विश्व उसमें दो गुटों में बढ़ चुका था, तो ऐसे में भारत जैसे प्लूटो घाना ये सभी देश जो इन देशों से अलग थे, तो एक तीसरे देश की गुट बनाया था, कौन सा नेम यानी इन देशों से अलग एक रूप में बना था, तो ध्यान रखना ऐसे ही दोस्तों। और इन नव स्वतंत्र जो राष्ट्रीय गुट हुए थे उसमें राजनीति को छोड़ अपनी स्वतंत्र पहचान बनाई, यानी हम अपना जो मार्गदर्शन खुद ही करेंगे, हम किसी के दूसरों के हाथों में नहीं देंगे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है ना। अब बात कर लेते हैं दोस्तों उपनिवेशों के राष्ट्रीय आंदोलन के पीछे क्या कारण थे, है ना, और निम्न कारण जो थे वो इस प्रकार है, कौन कौन से कारण हैं, तो एक पर हम दोस्तों तमाम से चर्चा करेंगे। तो पहला जो कारण है दोस्तों साम्राज्यवाद का कमज़ोर पड़ जाना, मैंने आपको बता दिया कई बार कि साम्राज्यवाद कौन होते हैं, ठीक है। तो ऐसे में जो नव जो औपनिवेशिक आंदोलन के मतलब उनको प्रभावशाली रहा वो किन कारणों से रहा, तो पहला दोस्तों साम्राज्यवाद का कमज़ोर हो जाना। द्वितीय विश्व युद्ध ने फांसीवाद का उन्मूलन करने के साथ साथ, फांसीवाद कहाँ जर्मनी में आया था दोस्तों आपको पता है तख्ता पलट के कारण, तो द्वितीय विश्व युद्ध ने फांसीवाद का उन्मूलन करने के साथ साथ यूरोप के साम्राज्य वाली देशों को भी कमज़ोर कर दिया। इनमें से कई देश स्वयं ही फांसीवाद अतिक्रमण का शिकार हो गए, जैसे यूरोप के 3 साम्राज्यवादी देश फ्रांस बेल्जियम और हॉलैंड स्वयं ही जर्मनी के कब्जे में चले गए, आपको पता है। और ये साम्राज्य और जो अधिकतर जो साम्राज्यवादी देश है ना दोस्तों, ये जो यूरोपियन कंट्री है इनमें ही पाए जाते हैं, इन्होंने ही काफ़ी मतलब विश्व के कई देशों पर अपना साम्राज्य स्थापित करा। तो ऐसे में दोस्तों जो उपनिवेशक मतलब के विकास उनके जो आंदोलन को जो एक हम कह सकते हैं हवा मिली एक पॉजिटिव वेव मिली, तो वो दोस्तों साम्राज्यवाद का कमज़ोर होने के कारण हमें मिलती है। ओके, ये पहला कारण था। अब बात कर लेते हैं दोस्तों दूसरे कारण की, तो दूसरा कारण है दोस्तों साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन की एकजुटता, है ना। क्या दोस्तों? साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन की एकजुटता। राष्ट्रवादी तत्व अपने देश की राष्ट्रवादी तत्व अपने देश की देश को विदेशी दासता से मुक्त करा कर वहाँ एक स्वदेशी सरकार की स्थापना हेतु संघर्ष करने लगे थे, यानी जो राष्ट्रवादी वहाँ के जो तमाम साम्राज्यवादी देशों के ऊपर जो कंट्रोल राज्य थे वो अपने दोस्तों के एक मांग करने लगे, एक जुट बनाने लगे कि हम अपनी जो देश की सरकार है खुद ही चलाएंगे, हम किसी के दूसरे हाथों पर नहीं करेंगे, यानी हम साम्राज्यवादी देशों से अपनी सरकार को मुक्त कराएंगे, ये कहा गया था, यानी है ना कि स्थापना हेतु संघर्ष वहाँ करने लगे थे। उपनिवेशों के संसाधनों से शासक देश उपनिवेशकों के संसाधनों से शासक देश सुख और समृद्धि प्राप्त कर रहे थे, यानी जो साम्राज्यवादी देश थे जो उनके उपनिवासी देश थे कौन जिन पर वो कब्जा कर रखे थे, तो वो उनसे दोस्तों क्या समृद्धि हो रहे थे, यानी उनसे सारे संसाधन रिसोर्सेज वो साम्राज्यवादी देश ले रहे थे। वही उपनिवेशकों की जनता गरीब और दयनीय दशा में जीने की विवश पड़ गई, यह स्थिति राष्ट्रवादियों को स्वतंत्र होने की प्रेरणा दे रही थी। तो सभी तमाम कारणों के कारण दोस्तों साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन का दोस्तों मतलब जो उनके विरुद्ध जो आंदोलन हो रहे थे साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन की एकजुटता, इसका मतलब यही है कि जो साम्राज्यवाद विरोध के आंदोलन में जो लोग हैं ना तमाम एक साथ हो रहे थे, तो ऐसे में दोस्तों इनका प्रभाव अच्छा जम रहा था और साम्राज्यवाद का विघटन होता जा रहा था, ये भी आप थोड़ा ध्यान रखना। आगे बात करते हैं तो विभिन्न देशों के स्वतंत्रता आंदोलन के बीच एकजुटता बढ़ने लगी, प्रत्येक देश के स्वतंत्र आंदोलन ने दूसरे देश के स्वतंत्र आंदोलन का समर्थक भी किया, साम्राज्यवादी विरोध ने उपनिवेशकों में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थक देकर अपना लक्ष्य को पूरा करने का भी प्रयास किया, यानी जो साम्राज्यवादी विरोधियों ने उपनिवेशकों के जो वो आंदोलन कर रहे थे तो उन सभी यानी जो साम्राज्यवाद के समर्थन के साथ जो और भी लोग थे यानी विरोध में जो उनके और लोग थे साम्राज्यवाद, तो ऐसे में दोस्तों जो उपनिवेशी देशों ने जो भी राष्ट्रीय आंदोलन कर रखे थे चाहे विश्व में हो चाहे अपने देश में हो, तो ऐसे में वो लोग भी उनका समर्थन कर रहे थे। तो ऐसे में दोस्तों जो उपनिवेशी जो देश हैं उनके काफ़ी वर्चस्व भी देखने को मिला और साम्राज्यवादी का मतलब उनको कमज़ोर पड़ने लगे, तो उनके लक्ष्यों को पूरा करने में भी प्रयास रहा जो साम्राज्यवादी विरोधी लोग थे। जो तीसरा कारण रहा दोस्तों वो था संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका, है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ UNO, ठीक है, इसका भी ध्यान रखना। कहीं ना कहीं इसका उपनिवेशिक जो हम कह सकते हैं कि अपनी शक्ति अपने हाथों में लेने की थी, तो उनकी जो भूमिका रही थी संयुक्त राष्ट्र की भूमिका भी रही थी। USA साम्राज्यवाद को समाप्त करने में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में सामने आया, है ना, ये भी ध्यान रखना। जो USA था वो साम्राज्यवाद को समाप्त करने के लिए एक शक्ति के रूप में आया, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र घोषणा
पत्र और मांग अधिकारों की विश्वजनित घोषणा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की विश्वव्यापी आकांक्षाओं का प्रतीक है। यानी जो संयुक्त राष्ट्र में घोषणा भी कर दी गई थी कि जो विश्वजाति घोषणा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में विश्व आकांक्षाओं का प्रतीक है, यानी जो अपने देश में जो लोग हैं वो खुद अपने शासन चला सकते हैं, ऐसे नहीं कि दूसरे देशों में कि वो अपना हमारे द्वारा वो शासन चलाएंगे। तो ऐसे में यूएसए और जो यूएनओ हैं वो काफ़ी मतलब मदद कर रहे थे जो उपनिवेशक जो लोग खड़े हुए थे अपने आंदोलन को लेकर साम्राज्यवाद के विरुद्ध। ठीक है, अपनी स्थापना के समय ही संयुक्त राष्ट्र ने उपनिवेशों के मामले पर गंभीर ध्यान दिया। और हमें पता है कि जो संयुक्त राष्ट्र जो अमेरिका था कब जो मतलब स्वतंत्र हुआ था, तो ध्यान रखना 1776 में। ठीक है, और स्वतंत्र होने के बाद ही दोस्तों ये अपनी जो विचारधाराएं काफ़ी हद तक मतलब जो उपनिवेशक देश थे उनका समर्थक भी कर रहा था, यानी जो साम्राज्यवाद का विघटन यानी समाप्त करने के लिए जाहिर हो गया था या तैयार हो गया था। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखते हैं दोस्तों, तो द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव भी काफ़ी उपनिवेशक जो भी आंदोलन थे इनके प्रभाव को समर्थन देता है। ओके, तो कैसे देता है वो देखते हैं। युद्ध से पूर्व यानी युद्ध से पहले उपनिवेशक को जनता यूरोपीय सेना को हराई हुई मानती थी, यानी युद्ध के पहले जो उपनिवेशिक जनता थी ना, उपनिवेशिक जनता यूरोपीय सेना को हारी हुई मानती थी। लेकिन युद्ध के शुरुआती चरण में जापानी सेनाओं की सफलता ने इस मिथक को चकनाचूर कर दिया। ऐसा होता था कि जो पहले उपनिवेशिक देश थे ना, यानी साम्राज्यवाद के उपनिवेशिक देश थे, उनकी जो जनता है ना, जो यूरोपीय सेना को मतलब हारी मानती थी, कमज़ोर मानती थी। लेकिन युद्ध के शुरुआती चरण में जब युद्ध हुआ था, तो उस शुरुआती चरण में दोस्तों जापानी सेना की जो सफलता ने यानी जो जापानी सेना की सफलता ने इस मिथक को चकनाचूर कर दिया। जापानियों ने मलाया, बर्मा, सिंगापुर, इंडोनेशिया और ईस्ट इंडीज़ आदि क्षेत्रों पर कब्जा किया, लेकिन अंत में जापानियों को हरा दिया गया। लेकिन इन क्षेत्रों के राष्ट्रवादी समूहों ने छापामार युद्ध नीति का प्रयोग बाद में यूरोपीय शक्ति के विरुद्ध चलाया गया और स्वतंत्र आंदोलन में किया गया। तो काफ़ी हद तक ये भी देखा गया था, इसको भी आप अच्छे से थोड़ा ध्यान रखना। बात कर लेते हैं कि जो उपनिवेशिक आंदोलन में भारत की क्या भूमिका रही। ठीक है, तो देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पहले स्वतंत्र प्राप्त करने वाले देशों में से एक भारत भी था। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात दोस्तों पहले स्वतंत्र प्राप्त करने के मतलब जो हुआ था, तो उसमें दोस्तों भारत भी था। हमें पता है कि हमें भारत को आज़ादी कब मिल गई थी, 1947, और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, 1945 खत्म हो गया था। तो ऐसे में दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पहले स्वतंत्र प्राप्त करने वाले देशों में से भारत भी था। भारत का स्वतंत्र आंदोलन अफ्रीका और एशिया के स्वतंत्र आंदोलन के लिए मार्गदर्शन भर गया। यानी जो भारत का जब उन्हें स्वतंत्र हुआ था ना, तो ऐसे में दोस्तों अफ्रीका में जो साम्राज्यवादी देश थे, जो उपनिवेशक बने हुए थे, अफ्रीका के देश और एशिया के स्वतंत्र आंदोलन के लिए एक मार्गदर्शन बन गया। यानी भारत को हम सहायता लेंगे और भारत जैसे आज़ाद हुआ तो हम भी मतलब उसके तौर तरीकों अपनाएंगे। ठीक है, आज़ादी से पहले ही एशियाई संबंध सम्मेलन का संगठन करके भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेता बहुत से एशियाई देशों को एक मंच पर इकट्ठा कर चुके थे। यह सम्मेलन इन बातों का प्रतीक था कि विश्व पटल भूमि पर एशिया की कुछ नई शक्ति के रूप में उदय हुआ। और ऐसे में दोस्तों जो एशियाई सम्मेलन हुए थे, उसमें तमाम वो सभी देश आए जो मतलब अपने आप को स्वतंत्र चाहते थे, वो किसी देश विरोध के हाथों में अपनी सत्ता को नहीं देना चाहते थे। और ये जो सत्ता आई थी, एक साथ सम्मेलन हुए थे, इसमें तमाम जो देश एक आए थे, तो ऐसे में जो विचारधारा आई कि जो एशियाई देश थे, जो साम्राज्यवाद थे यानी जो उपनिवेशक थे साम्राज्यवाद देशों के, तो ऐसे में दोस्तों उनको भी एक नए स्वतंत्र रूप में मतलब उनको उम्मीद हुई कि हाँ हम भी आज़ाद हो सकते हैं, और आज़ाद हुए भी बाकी। तो काफ़ी मतलब ये जो इनके प्रयास थे भारत के द्वारा चाहे अमेरिका के द्वारा, ये तमाम के कारण दोस्तों जो औपनिवेशिक राष्ट्रीय जो आंदोलन थे उनके यही पीछे कारण थे, और यही इतना सारा प्रभावशाली भी बना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों समझ में आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और जिन्होंने भी हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं कराया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक सब्सक्राइब ही बस आपके लिए अच्छा होगा, है ना, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दोस्तों बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि जो भी मैं आपको वीडियो अपलोड करूँ आप तक तुरंत पहुँचती रहे। तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम पेज है, तो आप वहाँ से जाके हमें जुड़ सकते हैं, और साथ ही साथ हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टा पे, ताकि जो भी हम आपको अपडेट करें यानी जो भी नोटिफिकेशन डालें तो आप तक